दीप, लेकिन आई स्वेट टू गॉड मेरी फेलियर वीडियो ऑन रचित्रो इज योर मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो ऑन योर चैनल। पर दीप भाई, मैं तेरे को बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, जितना नॉलेज ऑफ मी ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेट पे, मेरे को 10 साल होने वाले हैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाते हुए। तू भाई मुस्कान से बहुत पहले से और इंटरनेट पे, बट एग्जैक्टली मैं अभी के अकॉर्डिंग बताऊ ना तो मुस्कान का ज्यादा रेलिवेंसी है, ठीक है, देन यू। और मुस्कान ब्रांड्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट और लाइक हर एक चीज तुझसे ज्यादा है मुस्कान की। हेलो जी, तुम लोग मुझे अपना फेवरेट यूट्यूबर बताओ, भुवन बाम है, समय रहना है या कोई और भी हो सकता है। तो जब इन लोगों ने स्टार्ट किया होगा, जरूरी तो नहीं है कि भैया पहली वीडियो ही फट गई। इन लोगों ने बहुत साल वीडियोस बनाई है, स्ट्रगल किया है, तब जाके आज ये यूट्यूब पे ऐसा अपना लेवल स्टैंडर्ड सेट कर पाए हैं। पर इस दौरान अगर कोई पर्सन इनको रोस्ट करता तो उसको थोड़ी पता था कि भाई ये आगे जाके कितना बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा या सक्सेसफुल बंदा बन जाएगा। तो जब भी आप उसको रोस्ट करो तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि भाई तेरे तो इतने कम व्यूज आए, तेरे तो सब्सक्राइबर कम है। भाई तुम्हें रोस्ट करना चाहिए उसकी वीडियो पे, तुम्हें रोस्ट करना चाहिए उसके टैलेंट पे, या अगर वो क्रिंज कर रहा है तो उसके ऊपर उसको कॉल आउट करो। तो ये जिन लोगों को नहीं पता, एक रचित्रो रचित गेमिंग करके एक चैनल है जिन पे मैंने आज से 1.5-2 महीने पहले रोस्ट किया। अब भैया मैंने रोस्ट करके डाल दिया इंटरनेट पे वीडियो, लोगों को बहुत ही मजा आया, बढ़िया वीडियो चल गई, बढ़िया लाइक्स आए, बढ़िया कमेंट आए। लेकिन 1 महीने बाद भाई ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और भाई ने मेरी 15 मिनट की वीडियो को इलॉजिकल, सेंसलेस, भैया क्या चूत वीडियो है, ये बोलते बोलते 40 मिनट लाइव स्ट्रीम करी और वो 40 मिनट की वीडियो अपने चैनल पे डाल दी। और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई मैंने वीडियो बनाई तो वो भी बना सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो गेमिंग चैनल है ना, सबसे फेल वीडियो भी तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए आज मैं उसकी 40 मिनट की वीडियो के कुछ पॉइंट पे रिप्लाई दूंगा। और हाँ, तुम लोग हो सकता है कि भैया मेरे को नहीं जानते हो, रचित को नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी तुमको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो मैच्योरिटी है ना वो एज के साथ आती है, ना सब्सक्राइबर के साथ आती है, वो वक्त के साथ ही आती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि बात टैलेंट और आर्ट की हो रही है भाई, तो मैं अपनी ऑडियंस जितनी भी येलो आर्मी है उनको बता दूं कि जो मेरा गाना है जॉर्डन और हीर, जिसका मैंने टीजर डाला था सेकंड चैनल क्रेजी दीप म्यूजिक पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, एक बार देख लेना है, वो गाना आने वाला है 24 अक्टूबर को, 3-4 दिन बाद, तो भाई देख लेना है भाई, सब्सक्राइब कर देना म्यूजिक चैनल को। और अगर भाई तुम लोग भी एक्साइटेड हो गाने के लिए तो प्लीज येलो हार्ट स्पैम करना। अब आते हैं भाई वीडियो पे। उसने मेरे को प्ले बॉय ऑफ यूट्यूब बोला है, ठीक है, कि आई एम लिटरली रणवीर कपूर ऑफ यूट्यूब। अबे खुद को प्ले बॉय के नाम पे रणबीर बोल दिया, रणबीर, आई एम लिटरली रणवीर कपूर ऑफ यूट्यूब। तू रहने दे, आगे बढ़ते हैं। क्रेजी दीप काफी बड़ा क्रिएटर है, तो आई वाज लाइक ओके आई विल सी लाइक ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जेन जी रचित ने मुझे बड़ा यूट्यूबर बुलाया, फिर आ गया मेरे को छोटा यूट्यूबर। लाइक क्रिसदीप का वीडियो वाज वन ऑफ द बेस्ट वाला वीडियो, कि अरे भाई तू रिसर्च तो कर लेता तब वीडियो बनाता, ठीक है। रचित मेरे भाई, वो रोस्ट वीडियो थी, उसका पर्पस था एंटरटेनमेंट, वो एक्सपोज नहीं था। और तू बता भाई, मैं टट्टी के ऊपर कैसी रिसर्च, तू दूर आ, ठीक है भाई। आज मैं जिस पर्सन के बारे में बात करने वाला हूं, पहले गेमर था, फिर उसने देखा कि भाई गेमिंग सीन में तो भैया कोई लड़की हो या तो बिना टैलेंट के भी उसके सब्सक्राइबर बन जाए, उसी फील्ड में उसको नहीं भाई, गेमिंग चैनल फीमेल क्रिएटर्स का सबसे स्लो गेन होता है मेरे भाई, समझे ना, क्या स्टूपिड है भाई तू, क्रेजी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई तेरे से। इंडिया में सबसे, गाइस इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर 4 फीमेल क्रिएटर्स का नाम बताओ जो कि गेमिंग में है, 4 फीमेल क्रिएटर जो कि गेमिंग में है, उनका नाम बताओ मेरे को। रचित तू 4 नाम पूछ रहा है और 7 नाम तो तेरे कमेंट सेक्शन में दृष्टि नहीं लिख दिया भाई तेरी ऑडियंस ने, अब मेरी जान खाना खा ले, चुपचाप बकचोदी मत कर। अब पायल गेमिंग के 5 मिलियन भी फॉलोवर नहीं है और पायल गेमिंग के जो एवरेज व्यूज जो आते हैं ना वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मेल गेमिंग चैनल्स, तो ये तो बहुत गलत चीज है कि भाई फीमेल क्रिएटर्स के अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो जाते हैं ऑन यूट्यूब अगर वो गेमिंग करें तो। नहीं भाई, कुछ कुछ है जो कि प्रिविलेज होता है ब्यूटी का, पायल दिखने में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है, लाइक कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोगों को, एंड व्हिच शी इज, वो बहुत ज्यादा लाइक नॉर्मल लड़कियों से ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर बहुत ज्यादा है भाई। रचित मेरे भाई, यही तो मैंने बोला था कि फीमेल लोग के, फीमेल गेमर के सब्सक्राइबर इजीली बढ़ जावे, लेकिन भाई उसी चीज को घुमा गिरा के तू बोल रहा है, तेरे मेरे को बोल दिया कि भाई तू तो स्टूपिड है, लेकिन सेम चीज रिपीट तू कर रहा है भाई। इसने मेरे को बोला था कि मेरे से मैं मजाक नहीं करूंगा, इसने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी दीप ने, जो कि आई लाइक इट, अच्छा है जो तुम बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दीप को कबड्डी स्ट्रीम के लिए बुलाया था और दीप ने कबड्डी स्ट्रीम होने से 3 दिन पहले बैकआउट कर लिया था, तो यार भी चीज हुई थी। ये वाला पॉइंट मैं वीडियो से हटा सकता था, लेकिन ये चीज बोल के कि भाई दीप ने तो बैकआउट कर दिया 3 दिन पहले मेरे इतने बड़े इवेंट से, रचित ये चाह रहा है कि उसकी ऑडियंस मेरे को हेट करे। यार रचित भाई, आप मेरी नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भाई इस साल मेरे घर पे डेट हुई थी, अगर मैंने स्टोरी टाइम डाली तुमने देखी होगी, तुम्हें पता होगा, तो उसके बाद मैं घर छोड़ के कहीं गया ही नहीं, मैं काफी टाइम से यहीं था। जब रचित भाई और मेरी बात, उन्होंने बोला कि भाई इवेंट में आएगा, तो मैंने बोला भाई आ जाऊंगा, मुझे लगा कि यार तुम्हें पता है भाई जिस घर के अंदर देते हो काफी नेगेटिव हो जाता है, तुम बाहर नहीं जाते हो, तो सोशलाइज नहीं किया टाइम पर, तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने भाई दिल्ली जाऊंगा, वीर से लक्ष्य इन लोगों से मिल भी लूंगा। अब भाई मेरी पूरी प्लानिंग हो गई, लेकिन इसके इवेंट के 3 दिन पहले मेरे घर में 2 ही लोग रहते हैं और सेकंड लोग का पैर फ्रैक्चर हो गया, माइनर फ्रैक्चर, और इसीलिए मैंने रचित को फोन लगाया और मैंने बोला कि रचित भाई मेरी टॉप प्रायोरिटी में लाइफ में मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरा करियर, तो भाई ऐसा कुछ हो गया मेरे घर पे और मेरा आने का मन नहीं है, लेकिन अब तेने पोस्टर छपा दिए, तेने मेरी टी शर्ट छपा दी, तो अगर तू फिर भी बोले
कि भाई तेरा इवेंट खराब हो जाएगा मेरी वजह से, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को अपने घर पे बुलाऊंगा, वो टेक केयर करेंगे मेरी फैमिली की और मैं तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन रचित ने बोला कि कोई बात नहीं भाई, आप आराम से मत आओ, लेकिन आप किसी और क्रिएटर को यह मत बताना कि आप नहीं आ रहे हो। अब क्योंकि रचित ने पॉइंट रखा था बैकआउट करने वाला, तो मैंने ऑडियंस के सामने पूरी स्टोरी रख दी। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कमेंट सेक्शन में कि मैंने बैकआउट करके गलत किया या सही किया। इंडियन फ्लेवर कौन चल रहा है आजकल? इंडियन फ्लेवर तो मुस्कान का ज्यादा रेलेवेंसी है, ठीक है, देन यू, और मुस्कान ब्रांड्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट और लाइक हर एक चीज तुझसे ज्यादा है मुस्कान की। नमस्कार दोस्तों, ये रहा मुस्कान कारिया, द मोस्ट रिलेवेंट, द मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल यूट्यूबर का चैनल। और तुम लास्ट 5 वीडियो में अगर ढंग से देखोगे तो एक ही वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए, और उस वीडियो के अंदर उसने 2 पॉपुलर मेल गेमर के साथ कोलैब किया। और जिन लोगों ने रचित रो पे जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी अगर देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि मैंने यही बात बोली थी कि अगर इंडिया के अंदर एक फीमेल लड़की को एज अ गेमर ग्रो करना है तो या तो भैया किसी को बॉयफ्रेंड बना लो जो पॉपुलर हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड बना लो, या फिर उसकी एजेंसी को साइन कर लो। अब ये बात जितनी कड़वी तुम लोगों को लगे लगे, लेकिन तथ्य तो यही है। और तेरी फ्रेंड मुस्कान कारिया जो तेरे हिसाब से बहुत रिलेवेंट है, सक्सेसफुल है, उसकी लास्ट 5 में से जो वीडियो फटी है भाई मेरी बात का प्रूफ है। तो जब तो लो जी एक रिसर्च ढूंढ रहा था, इस तेरी दोस्त का चैनल चेक कर ले। और दूसरी बात कि मुस्कान जो है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे खुद को और खाने को ऑब्जेक्टिफाई करके डालती है भाई, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और भाई मैं कंटेंट बनाता हूं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, अगर मैं अपने इस चैनल के ऊपर तेजी दीप के ऊपर ना शॉर्ट्स डालता रेगुलर तो भाई मेरा अभी तक मिलियन फॉलोवर मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके होते। लेकिन मेरे भाई रचित, अगर तेरे को 10 साल हो गए यूट्यूब पर और तुझे फिर भी डिफरेंस नहीं पता लॉन्ग फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्मेट में, भाई बात पता है नंबर्स की नहीं होती, बात होती है टैलेंट की और बात होती है इंपैक्ट की। जब तेने मेरे पे 40 मिनट की वीडियो डाली, ना मैंने भाई किसी डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी तक नहीं डाली, फिर भी मेरी 15 मिनट की वीडियो को इलॉजिकल बोलते बोलते तेने 40 मिनट की वीडियो बनाई, उसके ऊपर ज्यादातर कमेंट मेरे फेवर में। तेरी खुद की ऑडियंस वहां पे मुझे डिफेंड कर रही है भाई, ये होता है इंपैक्ट। रचित मेरे भाई, मुझे पता है कि तुझे तेरी फ्रेंड के साथ और कंटेंट बनाना है फ्यूचर में, तो तू उसको डिफेंड कर रहा है, लेकिन मेरी बात सुन, मेरी ये सब वीडियोस देख, यहां पे मैंने अनबायस्ड होके विद फैक्ट्स और बिना डरे किसी से अपने ओपिनियंस रखे। मेरी वीडियो देखने के बाद लोगों की आंखें खुलती है, और तेरी दोस्त की जो एडिट्स है कुछ और एडिट्स के उन पेजेस पर जाती है जहां पे लोग जाने के बाद बाथरूम का गेट खुलते हैं। और रचित भाई हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन अगर देखो 10 साल होगा यूट्यूब पे फिर भी ये चीज मेरे को देखो समझानी पड़ रही है, तो भाई अपने जो बिहार में जो तेरा गांव है वहां पे लौट जा भाई, कोई फायदा नहीं भाई। लाइक जिस तरीके से बोलते हैं कि लड़कियां ऐसे अपनी स्क्रीन पे अपनी स्ट्रीम पे बुलाता है ये, अरे भाई लेकिन इफ तुम्हारे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो भाई तुम एक बहुत बड़े लूजर हो भाई, बात करो। हमारे जेंजी रचित भाई ने कैजुअली इंडिया के 90% लोगों को लूजर बोल दिया। रचित ने इस वीडियो के अंदर तेरी एज 21 साल बताई, लेकिन मैं तेरे को बता दूं कि तेरा आईक्यू 10 साल से बढ़ानी है भाई। और भाई दूसरी चीज क्या है कि जरूरी थोड़ी है कि भाई अगर हमारी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हम वीडियो में शॉर्ट्स में उनको लाएं और मिल्क करें, नहीं। और क्योंकि भाई तूने खुद बोला तेरी एज अभी 21 है, तो भाई एज अ बिग ब्रदर मैं तेरे को एडवाइस देता हूं, आज क्या है कि भाई तूने तेरी गर्लफ्रेंड रिवील कर दी, लेकिन अभी तुम्हारी एज है 21 साल, तो आगे जाके अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई पार्टनर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, चीट कर देता है, फिर ब्रेकअप होता है, तो तुम्हें फिर यूट्यूब से सारे शॉर्ट्स, ये वीडियोस और ये जितनी भी स्ट्रीम कर रहे हो सब डिलीट करनी पड़ती है भाई। और उसके बाद जब तुम्हारी ऑडियंस, क्योंकि तुमने भाई दिखा के ग्रो करी है, तो जब तुम्हारी ऑडियंस तुमसे पूछेगी कि भाई भाभी किधर गई, भाई आजकल भाभी नहीं आ रही है, तब भाई तुम एक वीडियो बनाओगे क्लियर करते हुए, और तुम वहां पे खुद को तो भाई तुम गलत बोलोगे नहीं, तो सामने वाली लड़की को तुम गलत बोलोगे और फिर तुम उसकी जिंदगी खराब कर दोगे भाई, समझ रहे हो? बताओ तुम्हें कैसे टाइप की लड़कियां पसंद है? मेरे को अंडरस्टैंडेबल है।